एक बार की बात है, एक पेड़ पर टूनी चिड़िया और उसके दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था नरम और एक का नाम था गरम। वे दोनों बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते थे। दिन में टूनी दाना तुनका करने चली जाती और बच्चे घोंसले के आसपास खेलते रहते। वहीं पड़ोस में एक पेड़ पर उल्लू का घर था। उल्लू बड़ा ही चालाक था। एक दिन नरम और गरम खेलते खेलते उल्लू के पेड़ के नीचे चले गए और उल्लू की नजर उन बच्चों पर पड़ी। उनको देखते ही उल्लू के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और इनका नरम नरम मांस तो और भी मजेदार होगा, मगर ये ऐसे हाथ नहीं आएंगे मेरे, और इन दोनों को एक साथ खाना मुश्किल होगा। इनके लिए तो कोई ना कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। इनमें से एक जरा गोरा है, और दूसरे के शरीर के ऊपर धब्बे हैं, तो इसका मतलब यहाँ अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो अपनानी पड़ेगी। चलो मिलते हैं इनसे अलग अलग। अब उल्लू इंतजार करने लगा कि ये दोनों अकेले कब होंगे, और एक दिन उल्लू को मौका मिल ही गया। उल्लू ने देखा कि नरम पेड़ के नीचे घूम रहा है और गरम घोंसले में सो रहा है। यही अच्छा मौका है, चलकर इस नरम की बुद्धि भ्रष्ट करता हूं। और नरम बेटा कैसे हो? आज तो तुम्हारा भाई गरम नहीं दिख रहा। अंकल वो घर में सो रहा है। अच्छा, वो सो रहा है और तुम यहाँ काम कर रहे हो, कितना आलसी है वो। मगर तुम तो बड़े ही सुंदर और शक्तिशाली हो, बुद्धि में भी तुम उससे काफी आगे हो, और उसके शरीर पे तो ना जाने कैसे कैसे धब्बे बने हुए हैं। मगर तुम तो बहुत ही सुंदर हो। उल्लू की यह बात सुनकर नरम बहुत खुश हुआ और उल्लू अंकल ने जो तारीफें की थी उससे उसके मन में घमंड आ गया। और ऐसे ही एक दिन जब नरम घर पे सो रहा था, तब उल्लू अंकल ने गरम से बात की। अरे वाह गरम, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो, और तुम में बुद्धि के साथ साथ शक्ति भी काफी है, और ये तुम्हारे शरीर पर गोल गोल धब्बे तुम्हारी शक्ति का ही तो प्रतीक है। वहीं तुम्हारा भाई देखो बिना धब्बे वाला है, कमजोर निकम्मा। गरम भी उल्लू अंकल की तारीफ सुनकर फूल गया और उसे भी घमंड होने लगा।
अब गरम और नरम जब भी खेलते लड़ाई झगड़ा करने लगते। डिब्बे वाला गंदा जानवर बुद्धि, मैं देख कितना सुंदर हूँ, एक भी डब्बा नहीं है। मैं जब बाहर जाता हूँ ना तो लोग देखते रह जाते हैं। अबे पतलू कहीं के, शकल देखी है अपनी शीशे में? पहले जा नहा के आ, निकम्बा कहीं का। वे दोनों लड़ ही रहे थे कि उनकी बातें सुनकर उनकी माँ को शक हुआ और उसने दोनों को घर में बुला लिया। बेटा नरम और गरम, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखो ना माँ, ये धब्बे वाला चिड़ा मेरे को निकम्बा कह रहा है। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया, पहले इस नरम ने मुझे धब्बे वाला कहा था और देखो अब भी ये वही कह रहा है। बच्चों एक बात बताओ, इन दिनों तुम लोगों को कोई नया दोस्त मिला है क्या, जो तुमसे प्यारी प्यारी बातें करता है और तुम्हारी तारीफ ही करता है? इन दिनों हाँ माँ, वो पड़ोस में उल्लू अंकल रहते हैं ना, आजकल वही मिलते हैं। अरे उल्लू अंकल, वह तो मुझे भी मिले थे और काफी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मेरी काफी तारीफ भी करते हैं। बच्चों की यह बात सुनकर टूनी समझ गई कि यह सब उल्लू अंकल का किया धरा है। अब टूनी ने बच्चों से कहा, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, कल मैं काम पर नहीं जाऊंगी और नरम तुम उल्लू अंकल के पास जाकर उनसे कहना कि तुम्हारी गरम से लड़ाई हो गई है और अब वह कभी भी उसके साथ नहीं खेलेगा, और फिर देखना तुम उल्लू अंकल का असली चेहरा। अब अगले दिन नरम ने ऐसा ही किया, वह उल्लू अंकल के पास गया। बेटा नरम, आज अकेले कैसे बैठे हो? उल्लू अंकल, आज से मैं अकेले ही रहूंगा, मेरी गरम के साथ लड़ाई हो गई है, अब मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। नरम की यह बात सुनकर उल्लू बहुत खुश हुआ। यही तो मैं चाहता था कि तुम दोनों अकेले हो जाओ और मैं तुम्हारा शिकार आसानी से कर सकूं। अब मरने के लिए तैयार हो जा चूजे। उल्लू अंकल, ये क्या कह रहे हो? आपको तो मैं बहुत अच्छा लगता था। अरे बेवकूफ, वह तो मैंने तुम दोनों को अलग करने के लिए कहा था, ताकि जब मैं तुम्हारा शिकार करूं तो तुम्हें बचाने कोई नहीं आए। उल्लू की यह बात सुनकर नरम के होश उड़ गए। तभी वहां टूनी चिड़िया गरम के साथ आ गई। देखो बच्चों, यही है तुम्हारे उल्लू अंकल का असली चेहरा, यह तुम्हारे बीच फूट डालकर तुम्हें खाना चाहता था। एक बात मेरी हमेशा याद रखना बच्चों, जिंदगी में तुम्हारी कभी भी कोई जरूरत से ज्यादा तारीफ करे और जरूरत से ज्यादा मीठी बातें करे तो सावधान हो जाना, ऐसे भेड़िए तुम्हें हर कदम मिलते रहेंगे। चलो अब एक दूसरे के गले लगो और घर चलो।